आगे बढ़ो आगे गुरुजी अनिविचय इति अधिक लिखियो। तो ये हो गया कि कर्म संज्ञा किसकी होती है, क्रिया अभीष्ट की होती है, ठीक है। आगे हुआ अनिविहते, अब क्या देखो अभी तक सिर्फ कर्म संज्ञा हुई, कर्म संज्ञा में काम कुछ नहीं हुआ जी। अब काम करने के लिए पहले एक बीच में कंडीशन लगा रहे हैं भाई, ओ देहरादून जाइयो लेकिन एक चीज बता दूं मैं, ऐसी जगह जाना, ठीक है। तो कह रहे हैं क्या अनभिहते, ये भी अधिकार सूत्र है। अनभिहते अभिहत का मतलब होता है अनुक्त कथन, अनभिहत का अर्थ क्या होगा कथन। तो अनुक्त अकथित, ये तीनों के तीनों पर्यायवाची है, ठीक है। अब आपको एक एक प्रश्न करना चाह रहा हूँ मैं आपसे, मतलब गौतम चाध्यम व्याकरण पढ़ा है, पढ़ा है, सुन ले, अब सुन लिया लघुवर्तम चाध्यम व्याकरण क्या मतलब है इसका, नहीं पता, हाँ सुन ले, व्याकरण लघुता के लिए पढ़नी चाहिए, पता चला जी, क्या पता चला, व्याकरण लघुता के लिए पढ़नी चाहिए, पढ़नी चाहिए ना। दूसरा एक पंक्ति है, अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सव मन्यन्ते व्याकरण, सुनी है पंक्ति, नहीं झूठ बोल रही है, तो नहीं भैया नहीं सुनी है पर ध्यान नहीं दिया उसने, परिभाषा पढ़ी तो इन्होंने संस्कृत व्याकरण में, सूत्रों में अगर अर्ध मात्रा का भी लाघव हो रहा हो ना तो व्याकरणों के लिए अच्छा होता है, तो पुत्रोत्सव मन्यन्ते व्याकरण होता है ना। तो अब आप बताओ, तू चुप रही हो, ठीक है। अनभिहते ये शब्द बड़ा है, अकथिते ये शब्द बड़ा है, या अनुक्ते ये शब्द बड़ा है, इनमें बड़ा कौन सा शब्द है और छोटा कौन सा शब्द है। अकथ्यते ये तो छोटा सा लग रहा, और अनभिहते तीसरी बार बताता हूं मैं, अनभिहत अनभिहते अनभिहते पहला, अकथिते दूसरा, अनुक्ते तीसरा, तीनों में सबसे बड़ा कौन सा शब्द है। अनभिहते, ठीक, सबसे छोटा कौन सा शब्द है, वो क्या था भैया, एक छोटे वाला छोटे वाला तीसरे नंबर में क्या था, अनुक्ते अनुक्ते है ना जी, सबसे छोटा यही है। तो व्याकरणों का सिद्धांत है कि लघुता में ही गौरव और लघुता में ही वैसा वाला गौरव है, यस वाला जी। तो अनुक्ते क्यों नहीं कहा, अनभिहते क्यों कहा, अनुक्ते कहते सूत्र, अनभिहते ऐसा क्यों बनाया, अप्रचलित शब्द भी है, अनुक्ते तो अधिक प्रचलन में है, भैया करो पांडे जी ने कुछ तो गलती की है। उत्तर किसी को पता है, पता है? क्या बता पर्यायवाची जी, मैं बताऊं, बता, वो अर्थ का लाभ कर रहा है, है? जो की व्याख्या है उससे उस दोनों का अर्थ तो एक ही निकलेगा ना, हाँ हाँ, तो हमको तो अर्थ चाहिए, तो हाँ इनका कहना हमें अर्थ की प्राप्ति होनी चाहिए, चीज तो सही पहुंच रहा है लेकिन उपस्थापन ऐसा कर रहा है कि तेरे उस पर ये कर दिया जाए, तुम बोलो। मैं अपनी तरफ से क्लियर हूँ, कुछ नहीं आता। एक भाई वो आते कि जो इस पर ये पंक्ति कही गई है कि अर्धमात्रा लागवीना पुत्रो स्वम मन्यन्ते व्याकरण, ये उसके लिए कही गई है जिस टाइम आप शब्द स्वरूप बना रहे होंगे उस टाइम के लिए, बिल्कुल, जहाँ लघुता जैसे हल इत्यादि है वहां तो लघुता कह सकते हैं, सीधे सीधे सिद्धांत समझो, पर्यायवाची शब्दों में लघुता नहीं देखी जाती है, समझे। तो ये तो तीनों के तीनों पर्यायवाची है, पर्यायवाची में शब्द से लघुता तो हो रही है, आर्थिक गौरव लघुता नहीं हो रही है, जो उसने कहा था आर्थिक लघुता नहीं है, इसलिए नहीं तो खरवसानी और विसर्जनीय, विसर्जनीय क्यों कहें, खरवसानियों विसर्ग, इतना छोटा शब्द है, इससे पता चला है, चलता है कि शब्दों के अर्थ के लिए अलग अलग शब्द, जब हमें बहुत सा जैसे ह य व र ल इतना लंबा नहीं कहना तो क्या कहें, छोटा सा कर दिया हमने, वहाँ आपको अर्थ गौरव भी हो रहा है, अर्थ लाघव भी हो रहा है, जहाँ अर्थ लाघव भी हो, अर्थ लाघव के लिए शब्द में लघुता लाई जाती है, जहाँ अर्थ लाघव नहीं हो रहा वहां शब्द लाघव के लिए कोई वो नहीं है जगह, ठीक है। तो अर्थ लाघव के लिए ही लघुता देखी जाती है, शब्द लाघवता के ये नहीं। यहाँ आप अनुक्त कहिए, अकथित कहिए, अनभिहते कह दीजिए, अर्थ एक ही आना है, अर्थ में कोई लाघव नहीं होना, जहाँ अर्थ में लाघव हो वहां लघुता का विचार होता है, ठीक है। आगे मतलब क्या भाई इसका,
किसका? अनुक्ते, जो कहा नहीं हो। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये अधिकार सूत्र है, अर्णव में जाएगा। जो कहा नहीं हो, हाँ आगे देंगे क्या नहीं कहा है? आगे अधिकार सूत्र, अधिकार अभी इतना ही समझ। अच्छा, अब जब ये किसी सूत्र के साथ लगेगा तब इसका अच्छा अर्थ निकलेगा, स्पष्ट अर्थ तब निकलेगा। इस सूत्र का क्या अर्थ है? जो कहा न हो उसमें, जो कहा न हो, जो उक्त न हो उसमें। क्या हो भैया? ये अधिकार सूत्र है, जिसके पास जाएगा उससे पूछना क्या अर्थ है। ठीक है, ये गांव का प्रधान है भाई, मैं कुछ नहीं जानता, पर ग्राम पंचायत पंचायत मंत्री से पूछना, मैं तो सिर्फ यही हूँ, अधिकार सूत्र हूँ बस। ठीक है, आगे कर्मणि द्वितीया। अब आया कर्मणि द्वितीया। कह रहे कर्मणि, कर्मणि अर्थात सप्तमी, कर्म में द्वितीया, द्वितीया हो जाए। तो अनभिहते आया भैया जी, अनभिहते में अनभिहते कर्मणि द्वितीया, ये सूत्र बनाओ। अधिकार सूत्र भी आया ना, तो अर्थ क्या बना? अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। अनुक्त जो कर्म उसमें द्वितीया होती है, समझे? अनुक्त जो सूत्र उसमें, अनुक्त जो सूत्र नहीं, अनुक्त जो कर्म, कर्म ऐसे कर्म में द्वितीया होती है। कहा भाई कर्म क्या उक्त भी होता है? क्योंकि जब उक्त होगा तभी तो अनुक्त होगा। क्या उक्त भी होता है? ये समझ में नहीं आया उक्त अनुक्त, तो आगे कह रहे हैं अनुक्त कर्म। ठीक है, ठीक है। देखो इन्होंने कहा अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, ये कर दिया और उदाहरण दिया हरिम भजति, यही दिया ना? हाँ जी जी, हरिम भजति, हरिम भजति। तो लक्ष्मी यक भक्त हरिम भजति, जो भक्त है वो हरि का भजन कर रहा है। तो देखो पहले हमें कर्म, तो पहले तो क्या निकालना पड़ेगा हमें? कर्म। फिर क्या निकालना पड़ेगा कि वह कर्म उक्त है या अनुक्त है, ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको मैंने कर्म संज्ञा समझाई है। कर्म संज्ञा वाला कौन सा सूत्र पढ़ा है आपने? कर्म संज्ञा कर्तुरिचि तत् तमम। कितनी देर में तो लड़की याद हो जाना चाहिए। कर्तुरिचि तमम कर्म, बोल। कर्तुरिचि तमम कर्म, कर्तुरीप्सित तमम कर्म, बोल पांच बार। कर्तुरीप्सित तमम कर्म, दोबारा। कर्तुरीप्सित तमम कर्म, दोबारा। कर्तुरीप्सित तमम कर्म, दूसरे बीच में क्यों बोलते हो यार? कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्तुरीप्सित तमम कर्म, अरे फिर गड़बड़ा गई, सही से बोल। कर्तुरीप्सित तमम कर्म, उस ता को छोड़ क्यों रही? कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्तुरीप्सित तमम कर्म। ठीक है, आगे। तो ठीक है, तो भक्तः हरिम भजति, कर्ता कौन है? भक्त, भक्त है। उसकी क्रिया कौन सी है? भजति, भजन क्रिया। इस भजन क्रिया के द्वारा क्या प्राप्त करना चाह रहा है? हरि की कृपा, हरि के, हरि को प्राप्त करना चाह रहा है। यानी भजन क्रिया कैसे पूरी होगी? जब हरि प्राप्त होंगे। ठीक है, तो भजन क्रिया के द्वारा वो हरि को प्रसन्न करना चाहता है। ठीक है ना, तो अपनी क्रिया के द्वारा क्या प्राप्त करना चाहता है? हरि। तो हरि की क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा। भजन क्रिया किसके लिए कर रहा है? हरि के लिए कर रहा है। तो हरि की क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। कर्म संज्ञा हो गई, तो अभी ये मान लो कि ये अनुक्त कर्म है, मान लो। ठीक है, मान लो कि ये अनुक्त कर्म है, तो कर्मणि द्वितीया से क्या हो जाएगी? द्वितीया हो जाएगी। तो द्वितीया में कौन सा प्रत्यय आएगा? अम प्रत्यय आएगा। अम प्रत्यय होकर के स्वाधिकारी हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? हरिम, हरिम, हरिम भजति बन गया। देखो तुम्हारा प्राकृतिक वो अजंत पुल्लिंग भी चल रहा है, उसे ये लड़की आई नहीं, तो ये भी पढ़ती है, इसको भी मजा आता। ठीक है, आगे आगे रुक जा भाई, वो वाली लाइन ले गई है कि आपने ये कहा कि अनुक्त कर्म में क्या हो? द्वितीया हो। तो भैया उक्त में क्या होगा? लगे हाथ ये भी बता दीजिए। तो लगे हाथ बता रहे हैं कि उक्त जब कर्म हो जाएगा तब क्या होगा? तो कह रहे हैं जी अनिभिहते तु कर्मणि प्रातिपदिकार्थ मात्रे इति प्रथमैव। अभिहते होगा,
अनिधिते नहीं होगा, अभिभीते क्या है, अभिहिते तो कर्मणि प्रागधिगात मात्रे इति प्रथमे वो। हाँ तो कह रहे अभिहिते तो कर्मणि, अभिहित कर्म में क्या हो जाएगा प्रथमा, प्रातिपदिकार्थ मात्र मान करके उसको क्या हो जाएगी प्रथमा, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा से प्रथमा हो जाएगी। ठीक है, मतलब अभिहित कर्म में जो उक्त जो कर्म उक्त हो जाएगा, उस उक्त कर्म में प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा से प्रथमा हो जाएगी। अच्छा, कुछ शंका आ रही है, आ रही है तो बोलो, नहीं आ रही तो आगे आगे आई नहीं आ रही ना, अभी तो आगे है। ठीक है, तो उक्त अनुक्त का कर्म में कर्मण द्वितीय द्वितीय का विधान कर रहा है, लेकिन उक्त कर्म में क्या हो तो कह रहे हैं उक्त कर्म में प्रातिपदिकार्थ मात्र मान करके प्रथमा हो जाएगी। किस सूत्र से प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी आगे जी, उक्त अनुक्त मतलब, अरे लड़का अभी तभी तो कह रहा हूँ आगे पढ़ तो ले पहले। अभिधान तो प्रायण तिंग कृतद्य समास है। हाँ, व्याख्याकार को पता था कि ऐसे प्रश्न उठ सकते हैं। अच्छा, कि सुन रहा है जी, इसको भी पता था कि ये प्रश्न उठ सकते हैं। अच्छा, मैं किसी को भी बताऊंगा कि देहरादून जाना है तो वो पूछेगा भाई देहरादून कहाँ है। हाँ, तो उसको अगली पंक्ति से बता तो रहे हैं, इसलिए कहा रुक जाएगा ब्रेक मार। तो कह रहे अभिधानम च प्रायण तिंग कृतद्यत समास, जो अभिधान है ना, कह की अभिधान है, अरे नहीं रे लड़के जी, अभिधान ही शब्द है, नए समास नहीं है। अच्छा, अब अंगूर में क्या नंग न बूरी थी अंगूर, ये कहेगा क्या अभिधान मतलब है, अंकित न नंकित थी अंकित, ऐसा है क्या अंकित। तो गुरुजी इधर अभिधानम का, अभिधानम अभिहित शब्द है रे लड़के वो। अच्छा, अभिधानम अर्थात वचनम, जो उक्त और अनुक्त है, जो अभिधान है यानी कथन है, ये कथन कैसे होता है, तो अभिधानम च प्रायण तिंग कृत तद्धित समासै, तिंग के द्वारा, कृत के द्वारा, तद्धित के द्वारा और समास के द्वारा निर्धारित होता है। जो ये उक्त है, उक्त और अनुक्त डिसाइड होता है, ये कैसे होता है, तिंग कृत तद्धित और समास के द्वारा। ठीक है, तो तिंग क्या है प्रत्यय है, कृत क्या है प्रत्यय है, तद्धित क्या है प्रत्यय, और समास क्या है वृत्ति है। ठीक है, वृत्ति है। ठीक है, आगे एक और देंगे ये, क्वचित निपाते ना अभिधानम, कहीं कहीं निपातों से भी अभिधान होता है। ठीक है, ये जो प्रसंग आने वाला ना, ये थोड़ा टेढ़ा है, शास्त्रीय है, कभी कभी समझ में नहीं आता, लेकिन कोशिश करेंगे कि हमें जितना है आता है हम तुम्हें बता पाए। मैं ये दावा भी नहीं कर सकते कि हमें भी पूरा आता है, लेकिन कोशिश करेंगे बताते बताते ज्ञान नहीं जी, बार बार कंफ्यूजन हो जाता है, नहीं होगा सुन के दोबारा भी। हाँ, पता होने के बावजूद पता नहीं क्यों समझता है। समझ दो तो पहले समझना शुरू करो, जब तक आप घुसोगे नहीं उसमें तब तक पता नहीं चलेगा कि ये कठिन है या सरल है। समझ गए, तो कह रहे हैं कि उक्त और अनुक्त का निर्धारक चार है, उक्त और अनुक्त के निर्धारक क्या है चार हैं, कौन कौन, तिंग कृत तद्धित समास के द्वारा क्या निर्धारण जाना जाता है, उक्त और अनुक्त का निर्धारण किया जाता है। अच्छा, उदाहरण दे रहे हैं तिंग का जी, हरि सेव्यते, हरि सेव्यते, देखो पहले इसका व्याख्यान करने से पहले मैं एक वचन कह देता हूँ, मैं बहुत पहले भी कहता रहा हूँ, जब तक जब से मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, यस्मिन अर्थे प्रत्यय स प्रत्ययार्थ, प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, जिस अर्थ में प्रत्यय आता है, प्रत्यय है ना पाणिनि जी के बहुत सारे, उन प्रत्ययों का क्या कुछ अर्थ है या नहीं है, तो उन प्रत्ययों का वही अर्थ है जिस अर्थ को बताने के लिए वो आ रहे हैं। ठीक है, समझ गए, कुछ समझे नहीं समझे, कभी ऐसा सुना है, व्याकरण पढ़ी है बहुत नहीं पढ़ी, कुछ सूत्र हैं वो कहते हैं कि इस अर्थ में ये हो जाए, ये प्रत्यय हो जाए, भाव अर्थ में तस्यापत्यम अपत्य अर्थ में ये प्रत्यय हो, तत्र भवा भवा अर्थ में ये प्रत्यय हो, तस्य अयम इस अर्थ में ये प्रत्यय हो, ऐसे अर्थ अर्थ को लेकर के प्रत्यय बनाए गए हैं। तो जिस अपत्य अर्थ में यदि अण प्रत्यय हुआ है, तो अण का अर्थ क्या हुआ, अपत्य यानी पुत्र,
पुत्रार्थक यदि अण प्रत्यय है, अण पुत्र को बताने के लिए कोई अण प्रत्यय आया है, उस अण का अर्थ क्या हुआ? पुत्र, पुत्र। तो यस्मिन अर्थे प्रत्यय सप्रत्ययार्थ, जिस अर्थ में प्रत्यय होता है वो प्रत्यय का अर्थ कहलाता है, ठीक है? हाँ जी गुरु जी। तो कल ही मैंने तुम्हें ये बात बताई थी कि एक शब्द जिसको कहता है वो उसका अर्थ हो जाता है, जी जी, ठीक है, और उसी को बताने के लिए दूसरा नहीं आता। जब एक और दो की प्रकरण चल रहा था, उक्तार्थानां प्रयोग और प्रत्यर्थम शब्दाभिनिवेश, ये कहा था, ठीक है ना, ठीक है ना, कहा था। अब तीन क्या है, एक प्रत्यय है, कृत क्या है, प्रत्यय है, तद्धित क्या है, प्रत्यय है, और समास वृत्ति है, ठीक है। अब ये उदाहरण दिया इन्होंने तीन का, तीन का उदाहरण दिया, तो तीन का उदाहरण क्या है, हरी हरी सेव्यते, तो हरी है, सेव धातु है, त प्रत्यय है, त प्रत्यय है, ठीक है। तो जब आप भुआदि प्रकरण पढ़ोगे तो आप वहां देखोगे कि त प्रत्यय कर्म अर्थ में आता है, कर्म अर्थ में। देखो अभी चूंकि मैं कारक प्रकरण पढ़ा रहे हैं, भुआदि प्रकरण ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, आत्मनिपदी नहीं हो सकते, चाहे आत्मनिपदे करो चाहे कुछ, हमें पद से मतलब नहीं है, हमें तो कारक से मतलब है, यहाँ के प्रकरण पद का चल रहा है या कारक का चल रहा है, हमें तो कारक से मतलब है। हमने तो ये हमने क्या व्याख्यान किया कि ये आत्मनिपद है या परस्मिपद ही है, पद से मतलब ही नहीं है तो उस चीज को क्यों छेड़े। तो तेता प्रत्यय आया, तो यहाँ कारक के दृष्टि से विचार हो रहा है ना, तो कारक कर्म कारक है, तो जो त प्रत्यय आया वो किसी कारक में भी आया। जो प्रत्यय है तिंग प्रत्यय, उनके दो तीन चार अर्थ होते हैं, एक तो किस अर्थ में आता है, काल अर्थ में आता है। जब भवती बनाते हो, भवती में भू धातु है, भू धातु का ती अर्थ है, लेकिन जब भवती होता है तो भवती का अर्थ क्या होता है, वर्तमान कालिक सत्ता, वर्तमान कालिक सत्ता। तो जब तिंग प्रत्यय आता है, उस तिंग प्रत्यय के तीन अर्थ होते हैं मुख्यतया। पहले तो वो तिप क्या बताता है, एक अर्थ बताता है, संख्या, संख्या, ठीक है। दूसरा वर्तमान है लट, उस लट लकार में ही सारे के सारे प्रत्यय होते हैं, तो ये वर्तमान अर्थ भी, ठीक है, तो काल अर्थ हुआ। दूसरा एक वचन इतने हैं, लेकिन भाई एक वचन होगा तो ये होगा। दूसरा किसने के कारक में भी आता है, तो कारक में आता है ना, तो उस कारक को उक्त करता है, लिंग संख्या कारक तीन अर्थों को उक्त करता है, लिंग संख्या कारक, लकार, लकार लिंग संख्या कारक नहीं, लिंग नहीं आएगा ना, काल संख्या कारक, सॉरी काल संख्या कारक। तो भौतिक के द्वारा क्या होता है, पानी गिरा दिया तुमने, ठीक है। तो तिप के द्वारा एक वचन पता चलता है, तस के द्वारा द्विवचन पता चलता है, जी के द्वारा बहुवचन पता चलता है, लेकिन जो तिप होता है, भू के साथ तिप आया तो क्या, कौन से काल में आया, लट के में आया, तो काल भी वर्तमान है, लट को लेकर के वर्तमान भी आया, तो एकत्व अर्थ हुआ, यानी संख्या अर्थ हुआ, काल अर्थ हुआ, और कारक कौन से सूत्र से होता है, लह कर्मणि चा भावे चा कर्मभ्यः, लह कर्मणि भावे कर्तरी, तो तीन में होता है, कर्ता कर्म और भाव में होता है। तो जब कर्ता में आएगा तो इस तिप का अर्थ कर्ता भी होगा कि नहीं होगा, होगा, तिप होगा। तो ये तिंग ने किस अर्थ को बताया, कर्ता अर्थ को, हम कारक के कारक प्रकरण में विचार कर रहे हैं, तो इस तिंग ने किसको बताया, कर्ता को बताया, कर्ता को बताया, लेकिन उदाहरण दे रहे हैं हम किसका, सेव्यते का, सेव धातु है, त प्रत्यय है, जो यह त प्रत्यय आया है वह कर्म अर्थ में आया है, कर्म अर्थ में आया है, ठीक है। तो इसने किसको उक्त किया, कर्म, तो जिस अर्थ को बताते हैं वह अर्थ उक्त हो जाता है, यानी इसने उसको कह दिया है, तो इस त ने किसको कहा, कर्म को कहा, कर्म को कहा ना, तो कर्म अर्थ तिंग से क्या हो गया, उक्त हो गया, उक्त हो गया, तिंग उक्त हो जाने के, कर्म उक्त हो जाने के कारण सेव्यते में, सेव्यते जिस वाक्य में है, जिस वाक्य में सेव्यते है, उस वाक्य का जो कर्म है, इस सेव्यते क्रिया का जो कर्म है, वह कर्म तिप के द्वारा उक्त हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, तो वाक्यस्थ जो कर्म है वह कर्म उक्त कर्म हुआ या अनुक्त कर्म हुआ, उक्त कर्म हो गया, उक्त कर्म हुआ, तो वह उक्त कर्म कर्तृ रिप्सित तमाम कर्म से उसकी कर्म संज्ञा हुई,
लेकिन वह कैसा कर्म है? वो उक्त है, उक्त कर्म है। उक्त कर्म हो जाने के कारण कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। हाँ। क्योंकि कर्मणि द्वितीया क्या कहता है? अनुक्त कर्म की द्वितीया हो। हाँ। तो ये तो क्या हो गया, उक्त उक्त कैसे हुआ है? तिप के द्वारा, तिप के द्वारा जो प्रत्यय है वो कर्मार्थ में आया है। कर्मार्थ में आने के कारण कर्म अर्थ को कह चुका है। हाँ। तो जो इस ते का जो कर्म है वह कर्म कैसा हो गया? उक्त हो गया। उक्त हो गया, उक्त होने के कारण प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा हो गई। तो क्या बना? हरि ही सेव्यते बना। तो गुरु जी मतलब इसको प्रत्ययों की जानकारी भी तभी मुक्त अनुक्त कर सकते हैं? अरे अभ्यास हो जाता है, बिना इतना ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो संस्कृत भारती वाले जिन्हें व्याकरण नहीं आते क्या वो भाषा प्रयोग नहीं करते? करते हैं। जितने भी लोग सिर्फ संस्कृत जानते हैं वो करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। जरूर भाषा के लिए भाषणात भाषा न तो व्याकरण है न, भाषण के द्वारा भाषा आती है। व्याकरण से क्या आता है? व्याकरण से तो आपको शब्दों का खेल आता है, शब्दों का अर्थ निकालना आता है, शब्दों का प्रयोग आता है। और साधु शब्द कौन है, असाधु शब्द कौन है, ये आता है। भाषा तो आपको भाषण सिखाता है, व्यवहार सिखाता है। आपको हिंदी आती है, गढ़वाली आती है, गढ़वाली का कौन सा व्याकरण पढ़ा आपने? पढ़ा कोई आप इंगे तिंगे वाली भाषा हो उसका कोई व्याकरण पढ़ा आपने क्या? लेकिन फिर भी आपको भाषा आती है, आती है ना भाषा। तो भाषा के लिए जो आप कह रहे हो कि नहीं जी देखना पड़ेगा, कुछ नहीं देखना पड़ेगा, व्यवहार चलाओ, आपको नियम पता नहीं होते, आदमी सीख जाता है। अब जो बच्चा हम लोग जो अंग्रेजी सीखते हैं, जो जिस बंदे ने संस्कृत नहीं पढ़ी होगी, जो जिसने सुनी होगी वो इतना कर दे, अच्छा भवंती करंती वो कैसे जानता है कि ये तीन तीन होता है लास्ट में? हाँ, उसने सुना अंग्रेजी वाले कहते हैं, नहीं होगा पता। लेकिन फिर भी जैसे हमारी दीदी है वो क्या कहेंगे, भोजनम खादंती, मेरा भाई भी ऐसा ही कहता कि मोबाइल चलांती, उसको पता नहीं होगा लेकिन फिर भी वो तिम तिम करती रहेगी। ये कैसे होता है? उसको भाषा का व्यवहार पता चला है थोड़ा बहुत। हाँ। कि हाँ भाई इनके यहाँ क्या होता है, लास्ट में तिंग तिंग करके आता रहता है, चलती गच्छती पचती, तो ये क्या होता है, कुछ भी करके, अच्छा आम तोड़ती क्या, ढूंगू मारती, चाय भी बनती, चाय भी बनती, वो तो सही बोल रहे। यही चीज है। अरे व्याकरण तो बाद में बात की बात है, आप भाषा सीख लीजिए, समझ गए? तो तिंग के माध्यम से भी उक्त होता है, तो उक्त बता दिया। राम भोजनम करोति, तो राम भोजन करता है, क्रिया कौन सी है? भोजन करना, करना क्रिया है, करना, करना क्रिया में कौन सी धातु आई है? करोति, क्री धातु आई है, क्री में क्री धातु। प्रत्यय कौन सा आया है? तिप प्रत्यय, तिप प्रत्यय। देखना पड़ेगा आपको कि किस सूत्र से आया है। तो लह कर्मणि चा भावे चा कर्म के अध्याय सूत्र से कर्ता में आया है। हाँ। तो इसने कर्ता को उक्त किया है। तो जब अब देखो, हाँ ध्यान दे, दूसरी बात, एक वाक्य में जो एक वाक्य है, एक वाक्य में एक अधिक कारक हो सकते हैं, एक से हाँ बिल्कुल हो सकते हैं ना। एक वाक्य में अगर सात कारक हैं, सात कारकों में से अगर तिंग कर्म को उक्त कर रहा है तो बाकी क्या रहेंगे? अनुक्त हो जाएंगे, क्योंकि एक ही उक्त होगा। एक उक्त होगा तो बाकी क्या होंगे? अनुक्त हो जाएंगे। ज्यादा ढूंढने माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी सारे कारकों में अनिभेदता का अधिकार चलता है। एक वाक्य में अगर तिंग के द्वारा एक कारक उक्त हो गया तो बाकी के अनुक्त रहेंगे। अनुक्त कारकों में तत्त्व विभक्ति होगी जो बताने जा रहे हैं। जो भी कारक उक्त हो जाता, जो भी कारक, कर्ता हो, कर्म हो, करण हो, जो भी हो, सारे उक्त कारकों में प्रथमा होती है। ध्यान दे रहे इस बात को, गांठ मार ले कि जितने भी कारक है वह कारक यदि उक्त हो जाए तो उक्त कारक में प्रथमा हो जाती है, चाहे वो कर्ता हो, चाहे कर्म हो, चाहे करण हो, चाहे संप्रदान हो, चाहे अपादान हो, चाहे अधिकरण हो। ये कारक किसी भी माध्यम से यदि उक्त हो जा रहे हो तो इनमें प्रथमा हो जाती है। आपको शंकाएगी क्यों, हम तो कहते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, और कहते हैं कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, करण में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी, संबंध में षष्ठी, अधिकरण में सप्तमी। ये कैसे? तो मैं बता दूं, ये प्रायः नियम है, ये प्रायः नियम है, प्रायः प्रायः इनमें सप्तमी होती है। क्यों? अधिकतर में ये अनुक्त होते हैं,
जब उक्त होते हैं तब इन सब ये सारे के सारे एक आंधी आती है उक्त की और वो इन्हें एक प्रतिमा में जाकर के बैठा देती है। बेटे यहाँ से मत जाना कहीं, तुम यहाँ रहोगे। समझ गए? तो सारे कारण और एक वाक्य में अगर एक उक्त होता तो बाकी अनुक्त होते हैं। समझ गए? तो कर्म उक्त हुआ है ना, तो हरि से देखो वाक्य पूरा नहीं लिखा है वैसे। राम हरि की सेवा करता है, वाक्य बनाओ जरा। राम हरि सेवा, इसको बनाने दे जरा। अच्छा, इसकी इसका परीक्षण ए गिरा दिया खाली। अच्छा हाँ बता। राम हरि की सेवा करता है, लड़की संस्कृत बना। फोन आ रहा है, तो मामा जी से भी बात कर लो। बात करनी है या जवाब देना है? भैया पहले होता है। राम हरी, राम हरि की सेवा करता है, इसके एक वाक्य एक बना के मैं देता हूँ। सेव देते राम और हरि में विभक्ति लगा के बता। हरि की राम हरि की, इसमें षष्ठी रही है। लड़की अभी क्या बताया, अभी व्याख्यान को याद रख। हरि क्या है? से जिसकी सेवा कर, मतलब कौन सा कारक अभी तक जो आपने पढ़ा है? अच्छा, इसके द्वारा बताना जो कारक प्रकरण पढ़ा रहे हैं और भजन याद कर रही हो, बोलो। रामः हरिम सेव्यते, हरि की सेवा करता है। तो सेव्यते से तो कर्म मुक्त है, हरिम कैसे हो गया? अभी क्या पढ़ा रहे हैं आपको? सेव्यते में जो ता है उस ता के द्वारा कर्म उक्त है। इस वाक्य का कर्म कौन है? वाक्य कर्म सेवा, कार्य कर रहा है, कर्म। राम हरि की सेवा करता है ये वाक्य है। यहाँ राम कौन सा कारक है? कारक करता है। हरि कौन सा कारक है? कर्म, कर्म है। सेवा करना ये क्या है? क्रिया, क्रिया है। समझी? बुद्धि फिट बैठ गई? तो राम ये करता है, हरी ये कर। अरे लड़के तो फिर तो बत इसके सामने बतिया कर, बहुत ही बेहुदा चीज लगती है। हमें कहता नहीं हूँ कभी कोई, इसका मतलब ये नहीं है, मतलब दुत्कारता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम करते जाओ। सुन ले जरा, तुम्हें भी पता चलेगा, तुम्हें भी पढ़ाना भी अगले दिन। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि किसी बालक जो समझना चाहता है लेकिन क्लास में कमजोर है उसे कैसे मुख्यधारा में लाना है, कैसे पता चलेगा तुम्हें? हर माना कि तुम लोगों की बुद्धि और तुम्हारे संस्कार इतने हैं कि तुम लोग एक पकड़ ले रहे हो, लेकिन मेरे पास वो भी विद्यार्थी है जो कमजोर है, उसे भी लेकर चलना है। उसको बताते समय तो ऐसी बेहुदा हरकत करेगा, डिस्टर्ब होगा, वो उसका कॉन्फिडेंस गिरता है जी। तो राम क्या है? करता है। हरि क्या है? कर्म है। सेवा करना क्या है? क्रिया है। समझ गए? सेवा करने के लिए मैं एक संस्कृत शब्द दे रहा हूँ आपको, सेव्यते मिला, सेव्यते। अब यहाँ कह रहे हैं हम कि सेव्यते धातु में सेव धातु है और त प्रत्यय है। सेव्यते इस पद में सेव धातु है, त प्रत्यय है। इस त के द्वारा कौन सा कारक उक्त है? अभी बताया था कैसे उक्त है, कैसे नहीं, तो भुवादि प्रकरण में देखोगे क्योंकि सारा ज्ञान यही नहीं देना। कर्म उक्त है, याद कर लो। क्या उक्त है? कर्म उक्त है। तो इस तिंग ने किसको उक्त किया? कर्म को उक्त किया। कर्म कौन है इस वाक्य में? सेवा। टाइम ले, अपना टाइम ले और मुझे बता कि कर्म कौन है। हरी है ना, टाइम लेके बोलो। कोई हड़बड़ाहट क्या है? कोई अभी तुम्हें अगर उत्तर नहीं दोगे तो सर्जिकल स्ट्राइक पे भेज रहे हैं क्या कि जाओ भाई बॉर्डर पे जाओ, नहीं तो बंदूक पकड़ा देंगे आपको। ठीक है, हरि कर्म है। तो अब ये कर्म तिप के द्वारा, तिंग के द्वारा क्या हो गया है? कर्म क्या हो गया है तिंग के द्वारा? भैया समझ में नहीं आ रहा है। कोशिश करना, छोड़ मत उसको, कोशिश कर। वो भैया लास्ट में वो नाम नहीं आ रहा। उक्त अनुक्त की चर्चा चल रही है तो कथा सुनने के लिए बैठ भैया, एक चीज समझ में नहीं आ रहा है। बढ़िया चल रहा है भैया, एक चीज बता दो, उक्त और अनुक्त में फर्क? उक्त माने कहना। इस तिप ने कर्म को कह दिया कि हाँ भाई कर्म भी है यहाँ।
कुछ चीजों को नहीं तो रट्टा मार ले। भैया उदाहरण में कैसे समझोगी? तभी तो कह रहा हूँ कि पहले रट्टा मार ले, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तेरा अपना संस्कार होगा तो समझ में आएगा कि अच्छा ये उक्त क्या चाहिए। अगर बच्चे को जब बढ़ाते हैं कि घड़ा इसको कहते हैं, बच्चा अगर ये प्रश्न पूछने में इसको घड़ा ही क्यों कहते हैं वो कभी सीख ही नहीं पाएगा आगे। कुछ चीजों का रट्टा मार लो जी। अगर बायचांस बहुत समझ में ना आ रहा हो तो एक सिद्धांत बना लो कि उसको रट्टा मारो, समय के साथ साथ खुलासे होते जाएंगे, ये गारंटी है। अनुभव ही कई चीजें, तुमने कविता सुनी है मेरी, तुझको तेरा अनुभव ही बस मार्ग बताता जाएगा, जो है तुझ में वह बिखरा दे जग तेरा महकाएगा। लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है। अरे ये तो ऐसे क्लास बहुत लेट हो जाएगी। तो करता हरी राम या भक्त जो भी लगाना है, भक्त मान लो, भक्त हरि की सेवा करता है, भक्त करता है हरि कर्म है, सेवा करना क्रिया है, इस तीनों इस वाक्य का ये क्या है, खांचा है एक। अब मैं कह रहा हूँ जो सेवा करना, इसकी संस्कृत है सेव्यते, इस सेव्यते में जो त आया है और बोर्ड आया तब समझ में आएगा तुम्हें। ये माजी ठंड में ना नशे जकड़ा जा, वो एक स्केच भी था वहीं देखना। उस पे ये स्केच ये है, ये पहले पहुंच देंगे नो रंग जा। देखो राम वो भक्त हरि की ये इस तरह से लिख दिया है मैंने ठीक है। ये है आपका कर्ता, ये है कर्म, ये है क्रिया। ये कर्म कैसे हुआ? कर्ता अपनी क्रिया सेव क्रिया के द्वारा सेव करके वो क्या किसको प्रसन्न करना चाहता है? हरि को। ठीक है, तो जिसको अभीष्ट रूप से प्राप्त करना चाहता है उसकी क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा। तो कर्म संज्ञा हो गई, हो गई। अब कर्मणि द्वितीया से हम कर्म में द्वितीया करने जा रहे हैं, लेकिन उसने शर्त क्या लगाई हुई है कि अनुक्त कर्म में द्वितीया करूंगा मैं। किस में करूंगा द्वितीया? अनुक्त कर्म में। तो प्रश्न क्या होगा कि कैसे जाने कि कौन अनुक्त है कौन उक्त है? अनुक्त उक्त कैसे जाने? आपको नियम बताया कि उक्त अनुक्त किसके द्वारा निर्धारित होता है? तिंकृत तद्धित समास के द्वारा, चार के द्वारा। तिंग का उदाहरण लाए कि तिंग का उदाहरण दे रहे हैं हरि सेव्यते। अब ये जो आप भुआदि प्रकरण पढ़ोगे तो जो तिप आपको बताते हैं, बताया मैंने कि प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, जिस अर्थ में प्रत्यय आता है और जिस अर्थ में आता है उस अर्थ को कह देता है, यानी उसी अर्थ को बताया है उसने, उक्त उसी को कहता है कि कहना बताना जी। ठीक है, तो जो ते आया भुआदि प्रकरण में, इसको याद, भुआदि प्रकरण में जब आप देखोगे तो लकार तीन अर्थों में होते हैं, भाव कर्म, भाव कर्म और कर्ता, कर्ता में। तो कर्ता और कर्म क्या है? कारक हैं। इसलिए तिप का जो प्रत्यय होते हैं तिंग, उनका तीन अर्थ माने जाते हैं, काल में भी आता है, वचन में भी आता है, कारक में भी आता है, भाव में भी आता है। ठीक है ना, तो तिप ने, ये जो त है ये किस अर्थ में आया? कर्म अर्थ में। इस अर्थ में आया कर्म अर्थ में। ठीक है, अब इसने किसको कहा? कर्म हरि को। कर्म को कहा, तो कर्म इस इसके कारण कर्म क्या हो गया? उक्त हो गया। उक्त हो गया, हो गया। अब जो हरि रूप कर्म है यह कैसा कर्म है, उक्त या अनुक्त? उक्त। उक्त है क्यों? क्योंकि इस वाक्य में जो ते बैठा हुआ है, इस ते ने कर्म को उक्त किया, तो इस ते का कर्म हरि है, कर्म इस कर्म को ये बता चुका है, तो ये क्या हो गया? उक्त हो गया। तो उक्त कर्म हो गया, कर्तुर रिप्सित तमम कर्मा से इसकी कर्म संज्ञा हुई, लेकिन ये कर्म कैसा हो रहा? उक्त। क्यों? क्योंकि ते के द्वारा ये उक्त है जी। हो गया। अब कर्मणि द्वितीया से इसमें द्वितीया होगी या नहीं होगी? कर्मणि द्वितीया का पहले अर्थ देख ले, तब इतना सोच मत। भी हुआ था।
कर्मणी विद्या हाँ वे होगी नहीं, नहीं पूरा वृत्ति पढ़ना पहले ऊपर के बड़ा अनुक्ते अनुक्ते कर्मणि क्या कहता है वो अनुक्त में कर्मणि द्वितीया होती है अनुक्त कर्म में द्वितीया होती है किसमें द्वितीया होती है अनुक्त कर्म में द्वितीया होती है अब ये कर्म तो है क्या ये अनुक्त कर्म है नहीं नहीं है ना इसमें द्वितीया होगी नहीं नहीं होगी इसमें द्वितीया नहीं हो पाएगी कर्मणि द्वितीया से तो क्या बताया कि अभिहिते तो कर्मणि प्रातिपदिकार्थ मात्र प्रथमैव अभिहित कर्म में तो क्या होगी प्रातिपदिकार्थ मात्र से प्रथमा हो जाएगी ठीक है तो इसमें क्या हो जाएगी प्रथमा हो जाएगी तो क्या बनेगा हरिहि समझ गए समझ गए कितना समझ गए पक्का समझ गए ठीक है प्रैक्टिकल नहीं करूंगा नहीं तो पीछे भागना पड़ेगा मुझे पता है ठीक है अब तुम्हें मैंने एक नियम और समझाया इसी के बीच में कि एक वाक्य में एक क्रिया के द्वारा एक क्रिया के प्रत्यय के द्वारा एक ही कारक उक्त होता है अच्छा। अगर कर्म उक्त हो गया है तो बाकी कारक कैसे रहेंगे अनुक्त रहेंगे इस वाक्य में बाकी कौन सा कारक है इस वाक्य में कर्म तो उक्त हो गया है कर्म के अलावा कौन सा कारक है भक्ति करता कारक इस लड़की को आंख से भी नहीं दिखाई दे रहा है कितनी देर लगा रही है तीन तो चीजें हैं तीन अच्छा हुआ मैंने वो नहीं बोला कि जंगल में एक लकड़ हारा आपने लकड़ी से ताकत से जंगल के वृक्ष की शाखा को काटता है इतना लंबा चौड़ा निकाल नहीं तो पता क्या क्या बोलती तीन चीजों में विचार करना है हमने बोला कि इसमें कर्म है कारक है दो और कौन सा बचा भैया कर्ता बचा हुआ है तो अगर कर्म मुक्त तो हो गया है कर्म कारक है बाकी कारक क्या रहेंगे अनुक्त होंगे तो ये जो कर्ता है ये कैसा कर्ता होगा अनुक्त हो जाएगा अनुक्त होगा अनुक्त कर्ता में प्रथमा नहीं होती आगे कर्ता सूत्र आएगा वो कहेगा अनुक्ते कर्मणि अनुक्ते कर्तरी तृतीया तो आपने जो कहा था ना कि रामः हरिश्च वो जो कहा था बिल्कुल ही गलत था रामः नहीं हो रामः या भक्तः नहीं होगा क्या होगा भक्तेना हरिः सेव्यते तुम्हारे लिए तो बड़ा इम्पोर्टेंट है ये बीएड में पढ़ते हो ना सीख ले जितने मैंने यहाँ आ रही है ना वैसे तुम्हारे साथ की लड़कियां भी कुछ नहीं करती होंगी मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ आ करके जब तक भी मैं यहाँ हूँ भगवान की कृपा से जिंदा चाहे मुर्दा चाहे जैसे भी जब तक यहाँ हूँ आ करके अपने संस्कार बना लो क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि आपने कभी ये चीजें सुनी तक नहीं है अगर सुनी तक नहीं है तो आपको सुनना चाहिए भगवान की कृपा से मेरा भी सिद्धांत क्या है मैं भी आप पढ़ने को नहीं मिल रहा मेरे को पढ़ने को लेकिन फिर भी क्या है कम से कम कहीं तो मिलेगा पढ़ने को सुनने को पढ़ाने को इन्हीं माध्यमों से ज्ञान बढ़ाते जाना अपना तो यहाँ बैठ करके संस्कार चीजें तो सुन ले तभी तो प्रश्न उठेगा मन में तभी तो सीखने की ललक पैदा रहेगी अगर तुम इन चीजों को कभी ध्यान नहीं दोगे जब आप बन जाओगे एक वो तब आप इन चीजों से भागने लगोगे लेकिन नहीं भागने से चीजें नहीं आती उनके अंदर घुसो जब घुसोगे तो रास्ते की खोज जारी रहेगी और रास्ते मिलेंगे एक आदमी को अगर आप किसी ऐसी सुरंग के अंदर डाल दो रास्ता बंद कर दो उसका चारों तरफ से बताओ वो अगर वो खूब उत्कट जीजी विषा वाला हुआ तो वो अपने लिए रास्ता ढूंढ लेगा या नहीं ढूंढ लेगा पक्का ढूंढ लेगा सिर्फ वो एक शर्त मांगेगा आपसे मर ना जाऊं कहीं रास्ता ढूंढ लूंगा पर मरना नहीं चाहिए भगवान भी कहेंगे बेटा तू मरेगा नहीं लेकिन अगर तूने तू कोशिश नहीं करेगा तो वैसे ही मरा हुआ है तो जो लोग कोशिश करना बंद कर देते हैं वो मरे हुए हैं घुसो अंदर छह महीने अगर मैं यहाँ छह महीने तक अगर आती रही तुम आते रहे तो भैया आपके अंदर कम से कम जिज्ञासा तो पैदा हो जाएगी अगर आपके अंदर जिज्ञासा है तो आप कभी भी सीख सकते हो जीवन में कभी भी दुनिया है दुनिया के गर्भ इस दुनिया और इस समय के गर्भ में सब चीजें छुपी हुई हैं कब कहां तुम्हें रत्न मिल जाए उससे तुम अपने हार बना लो कोई नहीं जानता लेकिन आपके अंदर ये शक्ति रहनी चाहिए
जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए, समझे। तो भक्तेन हरि सेवते ये हो गया। तो ये उदाहरण किसका आया, तिंग का उदाहरण आया। किसका आया, तिंग का उदाहरण। तो तिंग के द्वारा कर्म उक्त था, कर्म के उक्त हो जाने के कारण यहाँ क्या नियम कर्मण द्वितीया से द्वितीया नियम। तो ये बताया कि उक्त और अनुक्त का निर्धारण तिंग भी करता है, तो तिंग का उदाहरण दिया। नहीं तो आपने तो अधिकतर कर्म में क्या सुनी थी, द्वितीया सुनी थी। तो द्वितीया कर्म में प्रथमा भी होती है, जितने वाक्यों में आपको प्रथमा दिखे वहां कर्ता होता है ऐसा समझना गलत है, ठीक है। आगे आज इतना ही रखिए, आगे है क्या ये तो जान ले। ठीक है, ठीक है ना, लक्ष्मी सीता। आपको आगे बढ़ना है इसको, सिर्फ वैसे पूरी व्याख्या सुनना चाहोगे या सीधे सीधे बढ़ना चाहोगे? नहीं ठीक नहीं अभी व्याख्या, तुम वो पढ़ रहे हो ना लघु सिद्धांत। नहीं और हमें ये पूरा करना है। अरे तुम तो सिद्धांत कौमुदी कर रहे हो, तो अगर मैं इसमें इतनी व्याख्यान देने लगूं, चलो परेशान बंद करते हैं।